एग्जांपल नंबर 9 देखिए, टू वाटर टैप्स, अच्छा सॉरी क्वेश्चन, टू वाटर टैप्स, दो क्या है, नल है, टोटी है, कुछ भी बोल लीजिए, पानी की, टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स, टुगेदर मिल करके एक टैंक को 9 3/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, सॉल्व करेंगे तो 75/8 आ जाएगा, 75/8 आवर्स में भर देते हैं, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, वो जो टैप, वो जो नल, वो टोंटी जिसका बड़ा डायमीटर है ना, बड़ा मुंह है जिसका, भाई जब अगर डायमीटर बड़ा होगा तो उसमें से पानी का फ्लो ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा, वो क्या करता है, टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन, 10 घंटे कम लेता है छोटे वाले पाइप से टू फिल द टैंक सेपरेट, अगर उनके अलग अलग भरा जाए तो, है ना, क्या हो गया ओशियन और अनुष्का कैसे हंस रहे हैं, कोई नहीं कोई नहीं, पहले समझ लो, वीडियो भी चल रही है उसके बाद देखेंगे, नहीं मेरे पर टाइम नहीं एडिटिंग का, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, बताइए अलग अलग सेपरेटली छोटे वाले और बड़े वाले से भरा जाए तो कितना कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया, देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और टाइम एंड वर्क पूरी मैथ्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लीनियर फॉर्म में नहीं चलता है, इनवर्स फॉर्म में चलता है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे मान के चलो जब नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होते हैं तो काम जल्दी होता है, टाइम कम लगता है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है चीजें सी, आप कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन मान लेते हैं कि 10 डेज में मैं 20 पेजेस को रीड करता हूं, ठीक है मान लीजिए, तो एक दिन में मैं कितने पेजेस पढ़ता हूं, इसका मतलब दो सही है, आपने इसको डिवाइड कर दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर, एक बात और मेहुल, काम हमेशा अपने आप में एक होता है, 100% होता है, ये मैंने पहले बता रहा है, ठीक है ना, अगर आप कभी जाते हो तो आप क्या बोलते हो, मैं एक काम करने जा, एक काम मतलब 100%, मैं अपना 100% दूंगा, काम हमेशा एक होता है, जो पानी भरा जा रहा है चाहे बड़ा वाला भर रहा है या छोटा वाला भर रहा है, पानी भरने को भी हम क्या नाम देंगे, एक काम हो रहा है, समझना, अगर मान लेते हैं कि कोई भी उसमें से पाइप है जो एक्स डेज में एक काम कर रहा है, एक काम करने का मतलब पूरा टैंक भर रहा है, एक्स डेज में अगर एक टैंक को भरा जा रहा है तो विवांशी सिर्फ आप आंसर देंगी, एक दिन में कितना टैंक भरा जाएगा, एक दिन में कितना काम हो पाएगा, वन अपॉन एक्स, सही ओशियन, ओशियन अगर कोई टैंक x माइनस डेज में एक पूरा काम कर रहा है, पूरा टैंक भर रहा है, तो एक दिन में कितना टैंक भरेगा, वन अपॉन x, अनुष्का पूरा वन अपॉन x, पूरा नीचे, ऐसे नहीं है कि माइनस टेन इधर ही रह गया और ये नीचे चला गया, है दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त को ले भी जाइए, सही है, पूरा समझ में आ गया, तो सर ये कॉन्सेप्ट है क्लियर, टाइम एंड वर्क के जब भी आप क्वेश्चन करेंगे हमेशा एक दिन, एक घंटा, एक मिनट, सब कुछ एक एक के हिसाब से चलेगा, मैं यहाँ पर वन डे का ले रहा हूँ, चाहे मुझे एक्स डेज लेने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं काम किसके हिसाब से करूंगा, एक दिन के हिसाब से, ठीक है, सब कुछ एक दिन के हिसाब से चलेगा, अभी ये भले मत लिखना, अभी पहले समझ लो, जो चीजें लिखने की वो बता दूंगा, तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अभी आपको लैंग्वेज भी लिखाऊंगा समझना, अच्छा बोल किसके बारे में रहा है, छोटा या बड़ा, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, बड़े वाले, मैंने आपको ये सिखाया है कि जिसके बारे में बोला जाता है उसको कुछ लेट मत करो, बड़ा वाला 10 घंटे कम ले रहा है तो छोटे वाले का टाइम एक्स मान, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बी एक्स, डेज है आवर्स है, आवर्स क्योंकि उसने 9 3/8 आवर्स दिया है, बेटा अगर छोटा वाला एक्स आवर्स में भर रहा है देन टाइम टेकन बाय लार्जर टैप कितना होगा, एक्स माइनस 10 या एक्स प्लस 10, पक्का, क्योंकि बड़ा वाला 10 घंटे क्या कर रहा है, कम ले रहा है माइनस होगा, इतनी बात समझ में आ गई, अब देखिए अगर वो एक्स आवर्स में पूरा काम कर रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉलर
टैप्स वर्क इन वन आवर, कितना होगा वन आवर। गलती तो नहीं है, अगर x आवर्स में पूरा एक काम कर रहा है, इसलिए कॉन्सेप्ट मैंने पहले सिखा दिया था, क्योंकि वो तो रफ तरीका है, वो आपको एग्जाम में नहीं लिख सकते हो, आपको लैंग्वेज ऐसे लिखनी है। अगर x आवर्स में एक काम कर रहा है तो एक घंटे में कितना करेगा, वन आवर। लार्जर टैप वर्क इन वन आवर, बेटा ये कितना करेगा एक घंटे में, सही है। आप एक बात बताइए, ये एक घंटे में वन अपॉन एक्स कर रहा है, ये एक घंटे में इतना कर रहा है, दोनों साथ में मिलके ही तो काम कर रहे हैं, साथ में, और साथ में मिलके काम करेंगे तो मुझे इन दोनों को क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए ना। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि ये दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो इन दोनों का मिलकर के साथ में जो काम हो रहा है वो एक घंटे का काम है कि दो घंटे का काम है, एक घंटे वाले कितने हैं, सब एक घंटे में जा रहे हैं, ओशन को छोड़ दें नीचे कर रहा, और राहुल भी जा रहा है एक घंटे में, दो या एक, दो में हूं ओशन, आप भी, बेटा ये एक घंटे का काम है, मिलके साथ में कर रहे हैं, कैसे, मैंने चार से पांच में पढ़ा रहा हूं, तुम भी पढ़ रहे हो, मेहुल भी पढ़ रहा है, एक ही घंटे में तो काम हो रहा है, क्योंकि साथ में पढ़ रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि आप चार से पांच पढ़ रहे हो, मेहुल पांच से छह में आ रहा है, नहीं ना, ठीक है ओशन, तो ये एक ही घंटे का काम है। अब क्वेश्चन दूसरे कॉन्सेप्ट का, जोड़ तो दिया, इक्वल किसके रखे, एक घंटे का दोनों का मिलकर के किया गया काम है ना ये, वो क्या बोल रहा है, ना 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 ना, गलती नहीं, सुनो, 75 अपॉन 8 आवर्स में दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, इतने घंटे में एक काम कर रहे हैं दोनों मिलकर के, तो बेटा एक घंटे में कितना करेंगे काम, 8 अपॉन 8 ऊपर चला जाएगा, 75 नीचे आ जाएगा, सही है, एक घंटे का काम निकालना है हमको, क्योंकि इन दोनों का भी तो किसका है, एक घंटे का, और वो भी दोनों को प्लस करने के बाद मिलकर की है, और ये भी किसका है, मिलकर की है ना, क्योंकि टुगेदर दिया है, तो बेटा इसको इक्वल रखा जाएगा, दोनों में से में क्या एलसीएम आ जाएगा, बेटा एक्स और एक्स कहाँ बैठेगा इसमें, प्लस किया ना दोनों, बेटा 75 का मल्टीप्लाई 150x 750 x स्क्वायर माइनस का 10, सही है, एक्स स्क्वायर अगर है चल ले लो, अच्छा मैंने नहीं किया है क्या, सॉरी करना भूल गया मैं, 8 का करेंगे 8x स्क्वायर, अब तो सही है, थैंक यू, 8x स्क्वायर तो बेटा इधर ही रहेगा ये, लेकिन 150 उधर जाके माइनस 150 और 80 230 है, ठीक है, दोनों प्लस के हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा उधर जाके 750 और इज इक्वल टू है 0। अब सुनना, 750 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6000, 8 से 8 नहीं आएगा भाई, 8 तो नहीं आएगा, 25 इंटू 8 होता है ना 200, क्यों नहीं आएगा 8 को तो आना पड़ेगा, x माइनस 25 बेटा इसमें से कितना 30 x माइनस, अब मैं देख पा रहा हूँ x माइनस 25 आ गया एक तो, और 1 आ गया 8x माइनस 30, समझते चलना लिखने से ज्यादा पहले, 25 और x की वैल्यू, बेटा इसको अगर कट करूं तो 15/4 हो गया, समझ क्या दोनों को लेंगे हम या एक को, दोनों को लेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, फिर भी और कोई सोच लो, अच्छा एक को लेंगे तो कौन सा नहीं लेंगे, दोनों को लेंगे बेटा, इसमें एक को लिया जाएगा, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 15/4 लेते हो नीरज, जैसे ही आप इसमें पुट करोगे इसके टाइम में
15 अपॉन 4 माइनस 10, ये बेटा माइनस का 25 अपॉन 4 आएगा, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू को लेने से बेचारे बड़े वाला नहीं, बड़े वाले का टाइम किसमें जा रहा है, इसलिए छोटे वाले का ये टाइम नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ आएगा 25 आवर्स, यानी कि छोटा वाला 25 घंटे लेगा तो बड़ा वाला कितने लेगा, 15 है ना। चलिए नोट कर लीजिए, यहाँ पे नीचे लिख लेना टाइम टेकन बाय स्मॉल अटैक इज इक्वल टू 25 आवर्स। क्या हो गया राहुल, हंसी आ गई तुझे तो है? कह रहा ये काम मैं रोज करता हूँ। पानी भरने का टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, बोतलों में पानी भरते हैं ना फ्रिज में, बस वही है। नहीं ऐसा कि मैं भी करता हूँ कभी कभी, 15 घंटे है ना। आ गया तो सर ये इसका किस्सा कहानी का समझ में तो आ गया सबको। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं मयंक का?